हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 90s के दशक की मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर अलका याग्निक की, जिन्होंने बॉलीवुड की लगभग सभी एक्ट्रेस के लिए गाना गाया है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित और अलका याग्निक की फिल्मी सफ़र के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियो होता है। अब वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस जोड़ी की शुरुआत हुई थी 1988 में आई इनकी फिल्म खतरों के खिलाड़ी से, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया था और गाने को बोले हम दोनों में कुछ ना कुछ। और फिर 1988 में आई इनकी सुपरहिट फिल्म तेजाब, और इस फिल्म की एक गाने ने माधुरी दीक्षित को रातों रात स्टार बना दिया। जी हाँ दोस्तों, अलका याग्निक का गाया हुआ गाना 1 2 3 ने माधुरी दीक्षित को एक अलग ही पहचान बख्शी। और इस फिल्म का दूसरा गाना था सो गई ये जमीन सो गया ये। और फिर 1988 में आए इनकी फिल्म मुजरिम, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया था और गाने के बोल है रात के 12 बजे। फिर 1989 में आई इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी त्रिदेव, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया था और गाने के बोल है गजब ने किया है इशारा घड़ी भर का है क्या। फिर 1989 में ही आई इनकी एक और फिल्म खून अपना अपना, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया था और गाने के बोले ए बी सी डी पढ़ लो प्यार। और फिर 1989 में इनकी एक और फिल्म आई पाप का अंत, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया था और गाने के बोले हम तो डांस करेंगे। और इसके बाद 1990 में आए इनकी फिल्म महासंग्राम, और इस फिल्म में भी अलका याग्निक ने माधुरी के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया था और गाने के बोले आई लव। में आए इनकी एक और फिल्म इज्जतदार, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए कई सारे गाने गाए थे। पहला गाना था एक रसगुल्ला कहीं फट गया जी, एक रसगुल्ला कहीं फट गया। और इस फिल्म का दूसरा गाना था तुमको देखकर झूम गए। और अगला गाना था याद रखियो ये चार अक्षर प्यार। इस फिल्म का आखिरी गाना था किसको किस करूं। फिर 1990 में आई इनकी एक और फिल्म जीवन एक संग्राम, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया था और गाने के बोल है मिल गया। और फिर 1990 में ही आई इनकी एक और फिल्म जमाई राजा, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए दो गाने गाए थे। पहला गाना था हम और तुम, और इस फिल्म का दूसरा गाना था तुम छोड़ो मोरी बैया। और
फिर 1990 में ही आई इनकी एक और फिल्म थानेदार, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया था और गाने के बोल है पहली बार एक थानेदार आया। फिर 91 में आए इनकी एक और फिल्म प्यार का देवता, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया था और गाने के बोल है कुछ देर पहले कुछ भी ना था, कुछ देर पहले कुछ भी ना था। और फिर 91 में ही आई इनकी एक और फिल्म 100 डेज, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया था और गाने के बोल इनकी एक और फिल्म प्रतिकार, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया था और गाने के बोले हंगामा हो गया हंगामा। और फिर 91 में आई इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी साजन, और इस फिल्म का पहला गाना था मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार तो तुमसे कर, दिल भी कितना पागल है पर सामने जब तुम, और इस फिल्म का दूसरा गाना था देखा है पहली बार साजन की आँखों, है पहली बार साजन की आँखों में प्यार, और इस फिल्म का आखिरी गाना था तू शायर है मैं तेरी शायरी, तू शायर है मैं तेरी शायरी। और फिर 92 में आए इनके फिल्म खेल, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया था और गाने के बोल है जिंदगी के खेल में। फिर 93 में आए इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी खलनायक, वैसे दोस्तों इस मूवी के सारे गाने काफी पॉपुलर थे। पहला गाना था देर से आना जल्दी जाना, से आना जल्दी जाना चाहने वालों को तरस, इस फिल्म का दूसरा गाना था चोली के पीछे क्या है चुनरी के नीचे क्या, तो चोली में दिल है मेरा चुनरी में दिल है मेरा। और इस फिल्म का अगला गाना था पालकी में होके सवार चली रे, पालकी में होके सवार चली रे, और इस फिल्म का आखिरी गाना था आजा सजन आजा, आजा। फिर 93 में आए इनकी फिल्म दिल तेरा आशिक, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए चार गाने गाए थे। पहला गाना था सपनों में आऊंगा अपना बनाऊंगा नींदे चुरा के मैं, और इस फिल्म का दूसरा गाना था नमस्ते 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 नमस्ते। और इस फिल्म का अगला गाना था प्यार के बदले प्यार मिलेगा, प्यार के बदले प्यार मिलेगा दिल के बदले। और इस फिल्म का अगला गाना था हमसे क्यों सजना रूठ गए, हमसे और इस फिल्म का आखिरी गाना था कम से कम इतना कहा हो। '94 में आई इनकी फिल्म अंजाम, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए दो गाने गाए थे। पहला गाना था बरसों के बाद, बरसों के बाद आई मुझको याद एक बार, और इस फिल्म का दूसरा गाना था तू सामने जब आता है, जब आता है दिल धक से धड़क जाता है, धड़क जाता है। और फिर 95 में आए इनके फिल्म राजा, और इस फिल्म के सारे गाने अलका याग्निक ने गाए थे। पहला गाना था
किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, हो जरा फिर से कहें। किसी दिन बनूंगी मैं राजा की रानी। और इस फिल्म का दूसरा गाना था जा सजना मैंने तुझको भुला दिया। जा सजना तुझको भुला दिया, जीता मुझको रुला दिया। और इस फिल्म का अगला गाना था नजरे मिली दिल धड़का। और इस फिल्म का अगला गाना था तुमने मुझे प्यार से देखा नहीं। तुमने अगर प्यार से देखा नहीं मुझको तो छोड़ के चली जाऊं। और इस फिल्म का अगला गाना था अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुरा। कभी अखियां चुरा क्या तूने किया जादू बिना पायल के ही मुझे घूम। और इस फिल्म का आखिरी गाना था फूल मांगू ना बहार मांगू। '95 में आए इनकी फिल्म आपका देवता। और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए दो गाने गाए थे। पहला गाना आया था इसका नाम प्यार है। और दूसरा गाना सावन के बदले। और फिर 96 में आई इनकी फिल्म प्रेम गंत। और इस फिल्म का पहला गाना था दुनिया में जब प्रेम गंत लिखा जाएगा। और इस फिल्म का दूसरा गाना था जंगल में शेर आया मोर। जंगल में शेर बाघों में मोर पैरों में चोर हो राम। और इस फिल्म का अगला गाना था दिल लेने की रुत आई दिल देने की रुत आई। दिल लेने की रुत आई दिल देने की रुत आई। और इस फिल्म का आखिरी गाना था बाजू बंद बाजू बंद। और फिर 96 में आए इनके फिल्म राजा। और इस फिल्म के भी सारे गाने अलका याग्निक गाए थे। इस फिल्म का पहला गाना था आजा राजकुमार। और इस फिल्म का अगला गाना था तू बिजली है तू शोला। और इस फिल्म का अगला गाना था ये खूबसूरत बदन। खूबसूरत बदन क्या यूं ही जल जाएगा। और इस फिल्म का अगला गाना था बेचैन हूँ मैं बेताब है तू। बेचैन हूँ मैं बेताब है तू। और इस फिल्म का आखिरी गाना था पायल मेरी जादू जगाती है। पायल मेरी जादू जगा। और फिर 97 में आई इनकी फिल्म कोयला। और इसके सारे गाने भी अलका याग्निक ने गाए थे। पहला गाना था भांग के नशे में। गाना था तन्हाई तन्हाई तन्हाई। आई तन्हाई तन्हाई दोनों को पास ले आई। और इस फिल्म का आखिरी गाना था देखा तुझे तो हो गई दीवानी। और फिर 97 में आए इनकी फिल्म महानता। और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए दो गाने गाए थे। पहला गाना था छूले 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 मुझे छूले 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 मुझे छूले मेरा रूप मेरा रंग। और इस फिल्म का दूसरा गाना था एक तरफ अकेली मोहब्बत। फिर 97 में ही आई इनकी एक और फिल्म मृत्युदंत। और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया था। और गाने के बोल है कह दो एक बार सजना।
फिर 98 में आए इनकी सुपरहिट फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और इस फिल्म में भी अलका याग्निक ने माधुरी के लिए सिर्फ एक ही गाना गाया था, मेरे प्यार का रस जरा चखना। फिर 98 में आए इनकी फिल्म वजूद, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए दो गाने गाए थे। पहला गाना था मैं क्या करूं मैं क्या करूं, और इस फिल्म का दूसरा गाना था पर्वतों के बादल। फिर 99 में आई इनकी ब्लॉकबस्टर मूवी आरजू, और इस फिल्म का पहला गाना था अब तेरे दिल में आ गए तो तेरे दिल में रहेंगे। और इस फिल्म का दूसरा गाना था साजन साजन तेरी दुल्हन। और इस फिल्म का अगला गाना था आशिकी बन जाएगी। और इस फिल्म का आखिरी गाना था मिल जाएंगे हम। और आखिरी बार इस जोड़ी ने 2001 में आए इनकी फिल्म ये रास्ते हैं प्यार में के साथ काम किया था, और इस फिल्म में अलका याग्निक ने माधुरी के लिए एक ही गाना गाया। तो दोस्तों ये रहा अलका याग्निक और माधुरी दीक्षित का फिल्मी सफर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।